हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार जा रहे हैं। आज नंबर आ गया छोटे वाले जीजाजी का। कल चले गए थे मंझे वाले जीजाजी, परसों भैया चले गए, कल जीजा चले गए, आज ये जीजाजी चले जाएंगे, फिर बड़े वाले जीजाजी चले जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। धीरे धीरे हमारा पूरा घर खाली हो रहा है। एक तरह से बोला जाए तो मेरा ऑफिस भी खाली हो रहा है, स्टूडियो पूरी तरह से खाली होने वाला। पवन इस मौके पे बहुत ज्यादा उदास है। पवन, तू बहुत उदास लग रहा, क्या बात है? अच्छा, नींद में ये उदास नहीं है, नींद में आलसी राम। जीजा जी आ गए भाई। चलो जीजा जी बैठो। बैठ गए? ट्रेन कब पहुंची है? 7:19 हो गया, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। जबकि ट्रेन का अराइविंग टाइम 7:18 पे है। शायद कहीं दूर तक दिख रही हो ट्रेन? कोई नहीं दिख रही हो ट्रेन। जीजा जी वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, और ये इनको मिला है ससुराल की तरफ से गिफ्ट। इसमें क्या है वो आप लोग जीजा जी से पूछ सकते हो भाई। जीजा जी की ट्रेन देखो वहां से आ रही है, शायद हल्की दिख रही होगी। हाँ दिख रही है बिल्कुल, मुझे आंखों से तो दिखता नहीं है, कैमरे में जूम करके देखना पड़ता। आ रही है भाई। जीजा जी तैयार हो जाओ, आपकी ट्रेन आ रही है, चढ़ जाना बिल्कुल धक्का मुक्की करके। भीड़ तो बहुत भयंकर वाली है। कितने बजे आई है? 7:23 रेलवे को शिकायत करेंगे इतना लेट। जीजा जी की ट्रेन जा चुकी है। थोड़ा दुख लग रहा है क्योंकि यार अचानक सारे रिश्तेदार जा रहे हैं ना, तो बहुत मन अपसेट हो गया है। लेकिन क्या करे, जाना था उनको। बहुत अच्छा अरसा निकला, कुछ दिन तो ऐसे निकला कि पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे सब रिश्तेदार चले जाएंगे वापस से वही वाली बोरियत स्टार्ट। ब्लॉगिंग करो, सुबह उठ कर एडिटिंग करो। अभी थोड़ी तकलीफ हो रही थी रिश्तेदार आ गए चक्कर में, क्योंकि ऑफिस मेरे को मतलब मेरा स्टूडियो में काम नहीं कर पाता हूँ। बट कोई नहीं, सिर्फ उतनी तकलीफ थी। बाकी यार लोगों के साथ जो मजा आता है ना वो कहीं नहीं आता। अब जीजा जी भी चले गए, अच्छा लग रहा है वो, क्योंकि वो जीजा जी दिल थोड़े दिल के करीब है और उनसे ज़्यादा अपना बॉन्डिंग है, तो टाइम पास ज़्यादा होता है उनसे। कोई बात नहीं, ब्लॉग देखेंगे, उनकी यादें लेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में उनसे मिलेंगे। सेजू जब से पापा गए उसे यहीं बैठी हुई है, पापा के इंतजार में। मैं अभी आज देखा है बाहर बैठी हुई है। आ जाओ जा, आया ना, क्या हुआ है? नाखून काट रहे हो आप यहाँ बैठ के? चलो घर में काटना, यहाँ पे सुअर कुत्ता, यहाँ पे कुत्ता काट लेगा आपको। है क्या हुआ? अरे ये तो बहुत ज्यादा है उदास हो रही, थोड़ा मनाना पड़ेगा। आज फिर से जा रहे हैं हम लोग गणेश जी के, और इससे जा रहे हैं क्योंकि कल एंट्री नहीं दिया था, तो आज जा रहे हैं गणेश जी के। कान में ईयरबड लगा के सॉन्ग सुन रहा हूं, बस धूप में। फिलहाल रुके हैं नाश्ते के लिए, कल तो वहाँ नाश्ता किया था मगर आज करेंगे नाश्ता यहाँ पे। बिकॉज अंदर एंट्री से पहले नाश्ता वास्ता कर लेते, अंदर कुछ मिले या नहीं मिले। और साथ में एक बंदा और जुड़ गया आज हमारे साथ, श्याम केवट। इंद्र मेरा भी ले तो। वाह क्या बात है, ये बंदा काफी एक्साइटेड है फाइट के लिए। चल खा खाना यार, बहुत यम्मी है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए जहाँ तक कल हम नहीं आ पाए थे, बिकॉज भीड़ बहुत भयंकर वाली थी। आज भी कुछ कम नहीं है भीड़ भाई, पार्किंग जोन में तो बहुत भयंकर वाली भीड़ है, मगर फिर भी जैसे तैसे करके आ गए। थोड़ा ट्रैफिक जाम था बट नो प्रॉब्लम, थोड़ा नाश्ता भी कर लिया। बिकॉज क्या होता ना कि यहाँ पे थकान जल्दी आती है, तो हल्का नाश्ता किया। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम होती है थकान की, क्योंकि चढ़ना पड़ता कंटिन्यूसली, और ये हमेशा की प्रॉब्लम है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं आधे रास्ते से वापस चला गया हूँ, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि पहली बार आया तो उनको पूरा ऊपर तक घुमाना मेरा फर्ज बनता है। तो चलते हैं, सांस फूलने लग गई है अभी से ही। अभी तो सिर्फ 20% चढ़ाई कंप्लीट की है, और यहाँ पे भीड़ आज बहुत भयंकर वाली है, बहुत तगड़ी वाली भीड़ है। और इस कैमरे से भाई जब मैं फोटो ले रहा हूँ ना, तो बहुत फाड़ू फोटू आ रही है, लेकिन जब ये लोग मेरी फोटो ले रहे ना, तो समझ नहीं आ रहा मैं बस सूरत हूँ या कैमरा ये लोग चला रहे हैं। ये वो व्यू है जहाँ से पूरा रणथंभौर कार, हम लोग वहाँ पे गाड़ी पार करके आए, और देखो उस तरफ गाड़ी पार करके आए। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा रिस्क है, तो थोड़ा हम आगे नहीं जाएंगे रिस्क लेके। यहाँ पे आज बहुत मस्त वाली भीड़ चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, धार्मिक स्थल है और फेमस जगह भी है, तो इतना भीड़ तो चलता है। आज हम फिर से ऐसे एरिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा सुनसान है, लेकिन दिक्कत नहीं, क्योंकि आज थोड़े हम ग्रुप में लोग हैं। उस दिन सिर्फ दो लोग थे जब हमको लेपट दिखाता और मेरा भाई रोने लग गया था, लेकिन आज तो हम 5 लोग हैं। और वैसे उधर कुछ पब्लिक जा रही है, हम देखा भीड़ जाते हुए, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। हम इस एरिया में जा रहे हैं फिर से, और अभी यहाँ का सीन ऐसा है कि भाई यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली हरियाली है, हर जगह हरी हरी चीज़ है। बस इन जंगलों में कोई सांप आप छुप के बैठा उसकी हमारी गारंटी नहीं है, अगर वो काट वाट ले तो वो हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। चलो लोगों के रिव्यू लेते हैं कि ये किला उनको कैसा लग रहा है। इंद्र किला कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। राजा भी आप बताओ? बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे इस किले का नाम क्या देता हूँ?
रणथंभौर का किला, रणथंभौर का, रणथंभौर नहीं, रणथंभौर का किला, सॉरी। हाँ, यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं, ये वही जगह है जहाँ से हम लोग चिल्लाया था हेल्प हेल्प हेल्प। आज देखो यहाँ का व्यू ही अलग है भाई, उस दिन तो पूरा एकदम भीड़ बियाबान लग रहा था, लेकिन आज देखो यहाँ पे हरियाली, आसमान नीला नीला, तगड़ा सा सीन है। धूप बस थोड़ी सी कम हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाए, ये लोग तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा चीज है। ऊपर बहुत तगड़े वाली धूप हो गई थी इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए भाई, यहाँ थोड़ा छाया है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर वापस अपने मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। ओहो यहाँ पे माचिस पाया भाई, किसी को माचिस चाहिए? नहीं, ले भाई अगर किसी को माचिस की जरूरत है तो रख लो। ये राजाओं के देखो पहले के जमाने में इस तरह से बनाई जाती थी छतें और ये हजारों साल तक चलती थी। यहाँ पीछे धागा बांधने की मान्यता है तो हमारे पास कोई धागा तो है नहीं, तो हम सब क्या कर रहे हैं अपने अपने हाथ की राखी खोल रहे हैं और इसमें लगा देंगे। पहली बार ट्राई कर रहे हैं, पहले कभी किया नहीं है, वो तो पहली बार जब देखा ना कि ऐसे बांध भी रखा है तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। इसका खुला इसने तोड़ दिया, संपूर्ण तोड़ दिया। यहाँ की भीड़ को देख के लगता नहीं है कि आज मंदिर में जाना पॉसिबल हो पाएगा, और इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों में शायद ही कोई नहा के आया, नहा के आया नहीं, कोई नहा के नहीं आया, बिना नहाए तो मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता। वो तो सिर्फ हम यहाँ पे फेमस यहाँ की मिठाई है वो लेने के लिए आए, अदरवाइज हम लोग आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं। बट यहाँ पे जो भीड़ है ना वो तो भाई कह नहीं सकते, इतनी वाली भीड़ है, लेकिन आज ये भीड़ है तो कल कितनी भीड़ रही होगी ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। जब मैं ऊपर गया था तो शर्ट वगैरह सब अंडर शर्टिंग हो चुकी थी, अभी तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि शर्ट बाहर, पसीना बाहर, सब कुछ बाहर। और अब जल्द से जल्द होप करता हूँ कि वहाँ पहुँच जाऊँ गाड़ी के पास, फिर थोड़ी गाड़ी चलेगी ना तो हवा आएगा भाई, बिकॉज यार हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। फिलहाल आ गए रणथंभौर से भाई, बहुत थकान हो गई, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करें काम था सो करना पड़ा। अब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे या फिर कोई और दूसरा काम करेंगे, देखेंगे क्या करना नहीं करना है, लेकिन फिलहाल तो अभी आराम करेंगे और ब्लॉग की करेंगे एडिटिंग, बिकॉज ट्रिप के लिए हो गया मेरा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज्यादा, परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी मेरी ट्रिप के लिए ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद ये कुछ करेंगे और अभी चलते हैं बाहर। तो फिलहाल इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।